विपक्षी एकता को लेकर देश के राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक शुक्रवार को पटना में हुई, जिसमें नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्षी बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा, एक होकर हमें लड़ना है, विपक्ष के एक नहीं होने से बीजेपी जीत जाती है। साथ ही राहुल गांधी को लालू ने सलाह दी और कहा, अब राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, अभी भी समय है, शादी करेंगे तो हम सभी लोग आपकी बारात में शामिल होंगे। मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको हाँ हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, विपक्षी बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा, पटना में जो बैठक हुई है वो अच्छी थी, हमने तीन चीजों पर जोर दिया है और आगे हम लोग एक साथ लड़ेंगे। साथ ही ममता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी चाहती है कि इतिहास बदला जाए और हम चाहते हैं कि बिहार से इतिहास बचाया जाए। विपक्षी पार्टियों की बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने विपक्षी पार्टी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक नोट जारी करते हुए कह दिया कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ नहीं आती, तब तक आप ऐसी किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी जिसमें कांग्रेस मौजूद हो। विपक्षी बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पटना में विपक्ष का फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम एनडीए और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे, कितना भी हाथ मिला लो, आपकी एकता संभव नहीं है। और 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान पटना में हुए विपक्ष की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की दादी ने लालू यादव को जेल में डाला और इंदिरा गांधी ने नीतीश कुमार को पूरे 20 महीने जेल में डाला था, लेकिन आज पटना की धरती पर राहुल का स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं, तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलवाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की सिक्कों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। विपक्षी बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, विपक्षी एकता एक झूठ है, ये बस फोटो के लिए है।
इस मीटिंग में बैठी ममता बनर्जी क्या कांग्रेस से समझौता कर लेंगी? अरविंद केजरीवाल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हैं कि जो अध्यादेश जारी हुआ है उसके संबंध में समर्थन चाहते हैं। विपक्षी दलों की बैठक के होने के बाद सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, विपक्षी दलों की बैठक टाइम टाइम फिस हो गई क्योंकि इस बैठक में सिर्फ अगली बैठक कब होगी ये तय हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा, बैठक से देश की जनता क्या नहीं जानना चाहेगी कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले हैं। विपक्षी एकता की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सालों से आदिवासियों का शोषण होता आया है जिसको लेकर हमने इस बैठक में विपक्ष के सभी नेताओं के साथ चर्चा की।